14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। वो अपने बांद्रा के घर पर मृत अवस्था में पाए गए थे। सुशांत डेथ केस दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है, लेकिन इस उलझते मामले में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही काफी बेबाकी से बोल रहे हैं और खुलकर टिप्पणी कर रहे हैं। आज भी सुब्रमण्यम अपने बयानों से तीखा कटाक्ष करते हैं। हाल ही में उन्होंने सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को लेकर बेबाक ट्वीट किया है और उन्हें विषकन्या बताया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। कल यानी सोमवार को रिया से चौथी बार पूछताछ की गई। रिपोर्ट की माने तो रिया सीबीआई को खुलकर सवालों के जवाब नहीं दे रही है और अधिकारियों से बहस भी कर चुकी है। इसी पर निशाना साधते हुए सुब्रमण्यम ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, विश्वकन्या रिया से पूछताछ करके हम सुशांत को ड्रग दिए जाने और उसका मर्डर किए जाने की गुत्थी सुलझा सकते हैं। उसकी कस्टडी में रखकर पूछताछ करना जरूरी है। इसका मतलब है उसे जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नशीले पदार्थों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाना राष्ट्रीय हित में बहुत जरूरी है। इससे पहले भी बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत केस में कई लोगों पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि सुशांत के शव परीक्षण में जानबूझकर देरी की गई थी ताकि उनके पेट में जहर घुल सके। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है और कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ, ये तो सीबीआई अपनी जांच में पता लगा ही रही है और बहुत जल्दी ये आशा की जा रही है कि सही परिणाम हम सबके सामने आएंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस खबर में इतना ही और खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें।